हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। हम देख लेते हैं गाइस आपके लिए लव रीडिंग जो होने वाली है इस वीक 18 दिसंबर टू 24 दिसंबर। सो गाइस, इसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शंस लेने वाले हैं एंड आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है। ओके, दिसंबर के लास्ट टू वीक्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो अपनी सिचुएशन में इसे ज़बरदस्ती फिट ना करें। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो वर्गो, तो हम देख लेते हैं आपके लिए इस वीक क्या होने वाला है, क्या एनर्जी होने वाली है आपकी एंड आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, द मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो वर्गो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो स्टार्टिंग वीक की जो एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस, उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है एंड ऐसा ही कार्ड मुझे थोड़ी देर पहले ही एक रीडिंग में दिखा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे आपके लिए एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ 2-4 दिनों से ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने 3 से 4 दिनों से आपने अपने पर्सन से बात नहीं किया या उनके तरफ से किसी तरह का कोई भी मैसेज या किसी तरह का भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। ओके, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं एंड ये गाइस, आप रात में बहुत ज़्यादा उन्हें याद करते हैं बिकॉज आप दिन में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं, बिज़ी रखते हैं, इस वजह से आपको रात में उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ओके, सो जो गाइस मिड वीक की जो एनर्जी दिखाई दे रही है उसमें आप कहीं ना कहीं अपना मन डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आप बहुत से कामों में अपना मन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की तरफ से किसी भी तरह का कांटेक्ट आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, बट गाइस आप अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपके लाइफ में बहुत से जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उन्हें आप साइड रख कर आप अपने करियर पर फोकस ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बट कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को मिस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, एंड वीक की जो एनर्जी है उसमें दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम में तो बिज़ी हैं बट कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ओके, आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर तो हो रही है गाइस, बट आप अपने पर्सन को ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये भी सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होने के साथ साथ आपको अपने रिलेशनशिप में भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिस वजह से आप थोड़े से प्रॉब्लम में होते हुए दिखाई देंगे, थोड़े से खोए हुए से दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो गाइस, जो एंड वीक की जो एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस, उसमें आप कहीं ना कहीं लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन आने वाला है, क्या आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। या फिर ये पूरा वीक आप दोनों का कोई भी बातचीत नहीं होगी या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होगा आप दोनों का। केस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एंड गाइस दिस सन का कार्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बैडली थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बट हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आपकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रोक रही हैं आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करने के लिए। ओके, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो गाइस, एंड वीक में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, गो बाय।